आज बैनुल अक्वामी मीडिया में सीएनएन का ये पीस सामने आया, मैं जरूर आपके सामने पढ़ के रखना चाहती हूँ। चाइना में एक बड़ी ही अजीब बात हो रही है, वो ये है कि चाइनीज ने बोलना शुरू कर दिया कि आई डोंट वांट टू बी चाइनीज इन माय नेक्स्ट लाइफ। आज का मेरा टॉपिक ये है, अगर इकॉनमी वाइज बात की जाए तो हम पाकिस्तानियों को ये लगता है शायद दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से इंक्रीज करने वाला इकॉनमी वाइज मुल्क चाइना है। चाइना में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरा का पूरा कंट्री मायूसी है पूरे इकॉनमी के अंदर, और ये स्टोरी हर घर में चल रही है। और आप सोच के देखेंगे, एक जगह है चंगदू, चंगदू के अंदर 80% फैमिलीज जो हैं बैंकरप्ट हो चुकी हैं, 80%। जी हाँ बिल्कुल, ये तो एक कंप्लीट कोलैप्स, और बल्कि मेरे ख्याल में ये भी बताता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस इतने हो गए थे कि उन पे नजर भी नहीं रख रहे थे। अब हुआ ये है कि अमेरिकन जितनी भी कंपनीज हैं वो अर्जेंटली, वो जिसे कहते हैं ना, दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जब आप दो चीजें नहीं करेंगे तो आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। चाइना ने ये दोनों काम कभी नहीं किए, टाइम को भी वेस्ट किया, पैसे को भी वेस्ट किया, और आज इनकी हालत ये है। और दिस इज अ पुश मोर टुवर्ड्स इंडिया एंड अ शॉक फॉर चाइना। ठीक है, जब ऑल कंट्री बैकफुट में जा रही थी, इंडिया ने वह भी अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश की, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम किया। एप्पल की बात कर लें, एप्पल में उसने इतना कुछ किया कि एप्पल ने उसको अपना किया। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हम सभी भारतीयों के लिए एक लेसन भरा भी है, जिसको अवश्य हमें देखना, सुनना और समझना चाहिए। जैसा कि आप सभी हम जानते हैं, और इनफैक्ट इस पर न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि अपने आप को भारत का दुश्मन मानने वाली पाकिस्तानी मीडिया और वर्ल्ड की मीडिया भी इसमें कह रही है कि भारत की इकोनॉमी काफ़ी राइज कर रही है, तो वहीं पे चाइना की इकोनॉमी उस तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है जिसको कि उसको एक्सपेक्टेशन थी। और ऊपर से जियोपॉलिटिक्स के कारण और कुछ खुद चाइना की पॉलिसी के कारण जो चाइना के अंदर से रिपोर्ट आ रही है, उससे पता चलता है कि चाइना की इकोनॉमी कुछ ठीक नहीं कर रही है और आने वाले टाइम में इसकी स्थिति और भी ख़राब होनी है। तो जो लेसन की मैं बात कर रहा था, इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे समझेंगे, जब आपका प्राइम टाइम हो तो उस समय आपको अपने टाइम की और पैसे की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोग इस पे ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी तो 4 दिन की है, लेकिन अगर देखा जाए रियलिटी में, ज़िंदगी इस समय लगभग लोगों की 70-80 साल होती है। और अगर आपके पास पैसा ना हो तो एक दिन भी निकालना मुश्किल पड़ जाता है, तो 70-80 साल या 50 साल तो काफ़ी दूर है, तो जीवन दुखदायी हो जाता है। आपके पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं हैं, फिर अगर आपके पास जब टाइम था तो आपने उन रिसोर्सेज को कैजुअली वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। चाइना में एक बड़ी ही अजीब बात हो रही है, वो ये है कि चाइनीज ने बोलना शुरू कर दिया कि आई डोंट वांट टू बी चाइनीज इन माय नेक्स्ट लाइफ। चाइना में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरा का पूरा कंट्री ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स एक जाल में हम फंसते जा रहे हैं, इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। कई इंडस्ट्रीज के अंदर तो 100% डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है दुनिया की, और ये खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल्स भी इतनी है, वो वर्किंग क्लास ले लीजिए, मिडिल क्लास ले लीजिए, आप भगवान की मार देख लीजिए, वो भी इनके ऊपर पड़ती जा रही है। और ये सारे फैक्टर्स चाइना के फ्यूचर को रीशेप कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर, मैं वो भी आपको उजागर करूंगा। वर्किंग क्लास में बोलता हूं, जो वर्कर है, जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है, वो साफ आपको देखना शुरू हो जाता है बड़े बड़े सिटीज के अंदर। आप सोच के देखिए, रात के 9 बजे हो, 40 साल का एक आदमी जो पहले किसी कंपनी का चेयरमैन था, आज वो डिलीवरी मैन का काम करता है, एग्जॉस्टेड है पूरा दिन भागा दौड़ी करने के बाद। क्यों? क्योंकि जब तक वो सुबह से लेकर रात तक बार बार डिलीवरीज नहीं करेगा, वो शाम को 100-200 रुपये नहीं कमा सकता। जब आप बात करते हो डिलीवरी वालों से, जो हमारे घर में भी यहाँ पे डिलीवरी वाले लोग आते हैं, कोई पहले किसी कंपनी में CEO था, कोई वहाँ पे मैनेजर था, कोई चेयरमैन था, आज डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। रोते हैं कई बार, थके हारे आपको चेहरे दिखते हैं सब जगह पे, ये वर्किंग क्लास के। और यही चीज़ है जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं वहाँ पर भी यही हाल है, और पूरे चाइना में आपको यही माहौल दिखता है। मिलियंस ऑफ वर्कर्स बिना जॉब के बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में आई विल नॉट बी अ चाइनीज। ऐसी डेक्लरेशन है लोगों की तरफ से, मायूसी है पूरे इकोनॉमी के अंदर, और जो इकोनॉमी थी इतनी राइज कर रही थी, ये पागल हो गए थे। और अनएम्प्लॉयमेंट को तो नामो निशान नहीं था यहाँ पर, और आज ये हालत है कि जॉब ढूंढने पे भी मिलती नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो डिलीवरी वाले हैं उनका काम इसलिए चल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिलती हैं, और दूसरी तरफ
जो मिडिल क्लास है वो पिसता जा रहा है, और ये स्टोरी हर घर में चल रही है। और आप सोच के देखेंगे, एक जगह है चंगदू, चंगदू के अंदर 80% फैमिलीज जो हैं बैंक्रप्ट हो चुकी हैं, 80%। और जो गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, ये डेस्परेट जो मोमेंट्स हैं उसमें वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, वी नो व्हाट टू डू, बट वी विल डू इट एट द राइट टाइम। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका के इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ऊपर से भगवान ने भी मार डालनी शुरू कर दी, हर रोज यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर एक ये तूफान आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। और गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है इसमें, कि कोई ज़्यादा डेथ नहीं हुई, 5 लोग मरे हैं 4 लोग मरे हैं, जबकि लोकल लोग बोलते हैं कि पूरे गांव के गांव वो बह गए हैं इस फ्लड्स के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने भी उनको कवर करना शुरू कर दिया। नाउ चाइना का फ्यूचर क्या है, लोग भारत को इसमें से क्या सीखने के लिए चीज़ मिलती है, कि जो आज चाइना में हो रहा है क्या भारत में नहीं हो सकता? भारत भी उसी तेज स्पीड से राइज कर रहा है जिस स्पीड पर चाइना ने राइज किया, शायद चाइना की स्पीड हमारे से भी तेज थी। चाइना भी प्रिपेयर नहीं था, इन्होंने बहुत पैसा वेस्ट किया है जब पैसे आ रहे थे। तो दोस्तों, ये जो सारी क्रिटिकल चीज़ें हैं जो मैं सामने लेके आता हूँ, ये इसलिए नहीं है कि चाइना को डाउन दिखाना है या चाइना को अप दिखाना है, भारत को अप दिखाना है, मैं वो काम ही नहीं करता हूँ। जो सामने चीज़ है मैं वो चाहे सामने आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये सारे थॉट्स, ये सारे आपको कल को फ़ायदा देंगे अगर आप आज संभल जाएंगे। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑन ईच एंड एवरीथिंग। हम जैन्स के अंदर दो चीज़ें हैं, तभी थोड़े बहुत पैसे होते हैं जैनियों के पास, जैसे अदानी है थोड़े से पैसे हैं उसके पास भी, मेरे पास भी बहुत थोड़े पैसे हैं। उसका रीज़न है, हमारी फैमिलीज में दो चीज़ें बोली जाती हैं बचपन से ही, कि कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करना, दूसरा कभी पैसे को वेस्ट नहीं करना। जब आप दो चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। चाइना ने ये दोनों काम कभी नहीं किए, टाइम को भी वेस्ट किया, पैसे को भी वेस्ट किया, और आज इनकी हालत ये है। दिस इज अ पुश मोर टुवर्ड्स इंडिया एंड अ शॉक फॉर चाइना। एप्पल ने जो लेटेस्ट आईफोन है वो भी इंडिया में बनाना शुरू कर दिया, पोलिटिकली ऑन राइट साइड है कि उसको ये सारी की सप्लाई जो सप्लाई चेन है इसका फायदा हो रहा है। और ये जो मैस लेवल पे जो प्रोडक्शन है नए आईफोन की वो शुरू हो चुकी है, जिसमें पर्टिकुलरली जो प्रो सीरीज हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हाई एंड हैंडसेट्स हैं, ये पहले चाइना में होते थे, जो टेक जायंट एप्पल है ये वहाँ बनाया करता था। इससे पहले आपको पता है कि जैक सुलिवन जो है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो भी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मिले हैं, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं शी जिनपिंग ने, वो बताते हैं, वो कह ये रहे हैं अमेरिका को कि हमें रैशनली देखो कि आप लोग रैशनल नहीं हो रहे। इट मींस कि बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाओ, वो कह रहे हैं कि किसी क्राइसिस में हम ना चले जाएं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग।